तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लो भाई साहब, OMG 2 का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं। कभी सेंसर बोर्ड इनकी ले लेते हैं तो कभी ये खुद ही गलत डिसीजन ले लेते हैं। या दोस्तों, जो ट्रेलर 28 जुलाई को आना था अब उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अब कब रिलीज करेंगे ट्रेलर? सेंसर बोर्ड का क्या कहना है मूवी के लिए? आखिर कितने सीन्स काट दिए गए हैं मूवी से, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी OMG 2 से लगातार अपडेट चाहते हैं और अक्षय पाजी के डाई हार्ड फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दोस्तों, OMG 2 को लेकर ढेर सारी कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है। हालांकि जब उन्होंने अपना पहला टीजर निकाला था, लोगों ने भर भर कर प्यार दिया था टीजर को, किसी को भी कोई कमी नहीं देखने को मिल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग वाकई में ट्रेलर का इंतजार अब करने लगे थे। मूवी डेट अनाउंस हो चुकी थी कि 11 अगस्त को गदर 2 के सामने मूवी को रिलीज करा जाएगा। बहुत सी थ्योरी प्रिडिक्शंस होने लगी थी कि गदर 2 के सामने आ रही है मतलब कुछ खास होगी मूवी में, वरना जिस मूवी का नाम ही काफ़ी होता है जनता को थिएटर तक लाने के लिए, गदर 2, उसके सामने ये मूवी को कैसे रिलीज कर सकते हैं। बस मूवी को सेंसर बोर्ड के पास भेजा जाता है और सेंसर बोर्ड तुरंत बैन करके बहुत से सीन्स काटने की रिक्वेस्ट करता है और तभी अचानक पब्लिक में खलबली मच जाती है। लोग वाकई में सपोर्ट कर रहे थे मूवी को, लेकिन सेंसर बोर्ड ने सीधा ऑर्डर जारी किया और मजबूरन मूवी में से मेकर को 20 सीन्स काटने पड़े हैं। आप समझ रहे हो 20 सीन्स का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि 20 सीन्स सब 10 से 15 सेकंड के ही होंगे। भाई साहब, एक एक सीन्स डेढ़ डेढ़ मिनट के हो सकते हैं, दो दो मिनट के हो सकते हैं, पाँच पाँच मिनट तक के भी हो सकते हैं, क्योंकि कहानी सीक्वेंस में चलती है तो एक से दूसरा सीन कनेक्ट होता है, उनका लिंक होता है, उनका कनेक्शन आपस में जुड़ा रहता है। मतलब क्या ही कंटेंट रह गया अब इन लोगों के पास पब्लिक को दिखाने के लिए, राम जाने। देखो, जब पठान आई थी उसका एक सीन सेंसर बोर्ड ने काटने को कहा था जो करीबन 3 मिनट का तो था ही, यहाँ तो पूरे 20 सीन्स हैं। भाई साहब, मूवी की धज्जियाँ उड़ जाएगी, कोई वैल्यूएबल कहानी अब इनके पास बची नहीं है, मेकर्स ही जाने अब तो। बाकी अब क्या देखने को मिलेगा मूवी में, 11 अगस्त को ही पता लगेगा। दूसरा ये कि मूवी के ट्रेलर को रिलीज डेट पोस्टपोन करा जा रहा है। देखो, अभी एक गैप बहुत अच्छा मेंटेन कर के रखा है ट्रेलर और मूवी रिलीज के डेट के बीच में। अगर 11 अगस्त को रिलीज होना है तब ये गैप बहुत अच्छा है मूवी रिलीज से पहले, क्योंकि अगर ट्रेलर की डेट भी पोस्टपोन कर दी गई तो कहीं ना कहीं मूवी की डेट भी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर के बाद एटलीस्ट 15 दिन का तो गैप जरूर चाहिए ही चाहिए एक मूवी को अच्छी ग्रोथ के लिए। देखो, अभी इतना कन्फर्मली तो न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन मोटा मोटा ये सुनने में आ रहा है कि ट्रेलर 28 को रिलीज़ ना होकर अगस्त स्टार्टिंग में रिलीज हो सकता है। अगर ये प्लान कर रहे हैं कि 11 अगस्त को मूवी रिलीज होगी तब इन्हें 1 अगस्त तक को ट्रेलर डालना ही पड़ेगा। खैर, मूवी के लिए पब्लिक काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है फिलहाल, तो अभी अपने ही डेट पर मूवी और ट्रेलर को रिलीज करने के टाइम ही दिया गया है। अगर पोस्टपोन या फिर कुछ और ऐसी अपडेट निकलती हैं तो हम आपको पहले ही बता देंगे। लेकिन एक बात तो है, सेंसर बोर्ड की मार के बाद इनकी स्ट्रेटजी थोड़ी गड़बड़ा तो गई है, तो मे भी हो सकता है पोस्टपोन होने के चांसेस लग रहे हैं। भाई, आपको क्या लगता है मूवी को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं? दूसरा, जब आदि पुरुष जैसी मूवी को रिलीज़ कर दिया गया तो इसमें इतनी कमियां निकालने की क्या ज़रूरत है सेंसर बोर्ड को? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।